हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीमर बोन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज फीमर और इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं। एंड लाइक अदर टिपिकल लॉन्ग बोन्स, फीमर आल्सो हैज टू एंड्स एंड अ शाफ्ट। सो ये जो है इसको हम बोलते हैं अपर एंड, ये है लोअर एंड, एंड दिस वन इज शाफ्ट। फर्स्ट लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट साइड डिटर्मिनेशन। सो साइड डिटर्मिनेशन के लिए अपर एंड में जो राउंडेड हेड है ये मीडियली प्रेजेंट होता है, और अगर शाफ्ट की अगर हम बात करें तो एंटीरियर साइड जो है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी और राउंडेड रहेगी, और पोस्टीरियर साइड पे जो है वर्टिकल रिज प्रेजेंट होता है, एज यू कैन ईजिली फाइंड आउट। अगर लोअर एंड की अगर हम बात करें तो दोनों कोंडाइल्स के बीच में इंटरकोंडाइलर फोसा प्रेजेंट होता है, और एंटीरियर साइड पे अगर हम देखें तो वो काफ़ी स्मूथ और आर्टिकुलर होती है, एंड मीडियल साइड इज़ लार्जर देन लेटरल साइड। अगर हम इस बोन की बात करें तो ये हेड है, ये मीडियली लाई करेगा, एंड ये एंटीरियर सरफेस है जो कि स्मूथ एंड राउंडेड है। अगर ये मिड लाइन है तो ये बोन इसके लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, सो दिस बोन इज लेफ्ट साइड बोन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जनरल फीचर्स ऑफ फीमर। सो अपर एंड से हम स्टार्ट करते हैं। अपर एंड में सबसे पहले हेड। सो हेड इज स्मूथ, आर्टिकुलर, एंड मोर देन हाफ ऑफ एरिया ऑफ हेड जो है वो स्फेरिकल है, एंड हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। सो ये जो है ये एनाटॉमिकल पोजीशन रहेगी हेड ऑफ फीमर के लिए। अगर ये हेड ऑफ फीमर का सेंटर है तो इसके जस्ट नीचे फोविया प्रेजेंट होता है, जो कि एक डिप्रेशन होती है जिसमें लिगामेंटम टीरीज अटैच होता है। इस बोन में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये आर्टिफिशियल बोन है, बट यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट इन ओरिजिनल बोन्स। और हेड ऑफ फीमर जो है वो एसेटबुलम के साथ आर्टिकुलेट करता है हिप जॉइंट की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट आफ्टर हेड वी हैव इज नेक। सो ये जो पूरा एरिया है ये शाफ्ट को हेड से कनेक्ट करता है, इसको हम नेक बोलते हैं, एंड इसका जो डिस्टेंस है हेड से शाफ्ट तक वो है 3.7 सेंटीमीटर। इसमें दो बॉर्डर्स हैं और दो सरफेसेस हैं। तो बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो ये अपर बॉर्डर है विच इज़ कनकेव एंड हॉरिजॉन्टल एज यू कैन सी, और ये लोअर बॉर्डर है विच इज़ ओब्लिक एंड स्ट्रेट एज यू कैन सी। तो ये जो एरिया है ये एंटीरियर सरफेस है नेक का, एंड जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है वो है पोस्टीरियर सरफेस। एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक जो है वो इंट्रा कैप्सुलर है, मतलब पूरा एरिया कैप्सूल के अंदर कवर हो जाता है। और अगर पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो इसमें भी मोर देन 0.5% जो है वो कैप्सूल के अंदर कवर हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज ग्रेटर ट्रोकेंटर। सो दिस इज ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये प्रेजेंट होता है जंक्शन पे, जंक्शन ऑफ शाफ्ट एंड नेक। एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर के तीन सरफेसेस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। सो ये जो है ये एंटीरियर सरफेस है, और जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा वो पोस्टीरियर सरफेस, एंड ये लास्ट में ये मीडियल सरफेस है। और मीडियल सरफेस पे एक पिट और एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोकेंटरिक फोसा। अब हम बात करते हैं लेसर ट्रोकेंटर की, जो कॉनिकल शेप एंड पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और मीडियली फेस करता है। आफ्टर द लेसर ट्रोकेंटर नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन। सो इंटर ट्रोकेंटरिक लाइन जो है वो जंक्शन है नेक
और शाफ्ट के बीच में. सो दिस प्रोमिनेंट रिज एज यू कैन सी इज नोन एज इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन. और इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन जो है वो स्टार्ट्स करती है जीटी से, यानी ग्रेटर ट्रोकेंटा. सो यहाँ से स्टार्ट करती है एंड इट गोज डाउन टू मर्ज विद स्पायरल लाइन ऑफ लेसर ट्रोकेंटा. सो डेट वॉज इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन. और जो पोस्टीरियर सरफेस पे जंक्शन प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट. एंड इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेटर ट्रोकेंटर और एंड करता है लेसर ट्रोकेंटर पे. टिल हियर वी आर डन विद द अपर एंड. नाउ लेट्स जंप टू द लोअर एंड. सो अगर हम लोअर एंड की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंडेड है. एज यू कैन सी ये शाफ्ट से नीचे जाके काफ़ी एक्सपेंड कर रहा है. एंड जो मीडियल साइड है वो लिटल लार्जर देन द लेटरल साइड, लेटरल कोंडाइल. सो ये जो दो कोंडाइल्स प्रेजेंट है मीडियल एंड लेटरल के एंटीरियरली जो है पटेला आर्टिकुलेट करती है, और इन्फीरियरली एंड पोस्टीरियरली जो है वो टिबिया आर्टिकुलेट करती है. और जो ये गैप प्रेजेंट है बिटवीन इंटर कोंडाइल्स इसे हम बोलते हैं इंटर कोंडाइलर फोसा. एंड अगर हम लेटरल कोंडाइल की बात करें सो लेटरली सरफेस जो है इसका वो फ्लैट रहता है. एंड जो लेटरल कोंडाइल है वो सेम लाइन पे प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू शाफ्ट, मतलब ज़्यादा डेविएट नहीं करता. अगर मीडियल कोंडाइल को अगर हम देखें तो ये काफ़ी डेविएट करता है शाफ्ट से, लेकिन लेटरल कोंडाइल जो है वो ऑलमोस्ट शाफ्ट की सेम लाइन पे प्रेजेंट है. सो जो वेट ट्रांसमिशन है वो लेटरल कोंडाइल से ज़्यादा होता है. और जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है लेटरल सरफेस पे लेटरल कोंडाइल के उसे हम बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लेटरल एपिकोंडाइल. अब हम बात करते हैं मीडियल कोंडाइल की. सो मीडियल कोंडाइल का जो सरफेस है वो कन्वेक्स है. एंड जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मीडियल सरफेस पे उसे हम बोलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल. एंड पोस्टीरियो सुपीरियरली टू मीडियल एपिकोंडाइल यहाँ पे एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है. इस ट्यूबरकल को हम एडेक्टस ट्यूबरकल बोलते हैं. दिस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज एडेक्टस ट्यूबरकल. नाउ वी आर ऑल्सो डन विथ लोअर एंड. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट शाफ्ट. तो शाफ्ट की अगर हम बात करें तो वो मिड एरिया में ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है. एंड शाफ्ट को कवर करने के लिए हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपर वन थर्ड, मिडल वन थर्ड एंड द लोअर वन थर्ड. सो पहले मिडल वन थर्ड की हम बात करते हैं. सो मिडल वन थर्ड में तीन बॉर्डर और तीन सरफेसेस प्रेजेंट हैं. सो बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो बॉर्डर्स का क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर लाइन प्रेजेंट होगी मीडियल साइड पे तो उसे हम अज्यूम करेंगे मीडियल बॉर्डर. एंड मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर लाइन जो प्रेजेंट होगी लेटरल एस्पेक्ट पे उसे हम अज्यूम करेंगे लेटरल बॉर्डर. एंड पोस्टीरियर बॉर्डर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, इसे हम लीनिया एस्पेरा भी बोलते हैं. इसके दो लिप्स हैं, जो लिप मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा इसे बोलेंगे मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, एंड जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा. और इस पूरी रिज को, पूरा लीनिया एस्पेरा को, इसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर लेके चलेंगे. सो जो एरिया लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे एंटीरियर सरफेस, और जो एरिया लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे लेटरल सरफेस, और जो एरिया पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे मीडियल सरफेस. सो ये बात हमने करी मिडल वन थर्ड की. अब हम बात करते हैं अपर एंड की. सो अपर एंड में जो है लीनिया एस्पेरा के जो लिप्स थे मीडियल लिप एंड लेटरल लिप, जो मीडियल लिप है वो ऊपर जाके
स्पाइरल लाइन में मर्ज हो जाएगा, एंड जो लेटरल लिप है वो लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी फॉर्म करेगा, जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी में जाके मर्ज हो जाएगा. सो दिस इज लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी एंड दिस वन इज स्पाइरल लाइन. एंड इसकी वजह से अपर एंड में, अपर वन थर्ड में चार सर्फेसिस और चार बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं शाफ्ट में. जो मिडिल बॉर्डर हमारा मिडिल वन थर्ड में प्रेजेंट था वही ऊपर जाके एक्सटेंड करेगा, एंड जो लेटरल बॉर्डर होगा वो भी मिडिल वन थर्ड का ही एक्सटेंड करेगा. तो ये हुआ लेटरल बॉर्डर, ये हुआ लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, दिस वन इज स्पाइरल लाइन एंड दिस इज मीडियल बॉर्डर. सो जो एरिया स्पाइरल लाइन और मीडियल बॉर्डर के बीच में आएगा उसे हम कहेंगे मीडियल सरफेस, और जो एरिया स्पाइरल लाइन एंड लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के बीच में आएगा उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर सरफेस, और जो एरिया लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी और लेटरल बॉर्डर के बीच में आएगा उसे हम कहेंगे लेटरल सरफेस, और जो एरिया लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में आएगा उसे कहेंगे एंटीरियर सरफेस. टिल हियर वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मिडल वन थर्ड एंड द अपर वन थर्ड, और अब हम बात करेंगे लोअर वन थर्ड की. सो इन लोअर वन थर्ड में भी जो लीनिया एस्पेरा के मीडियल और लेटरल लिप्स हैं वो डाइवर्ज करेंगे. जो लेटरल लिप डाइवर्ज करेगा उसे हम कहेंगे लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, और जो मीडियल लिप जो डाइवर्ज करेगा उसे हम कहेंगे मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन. सो यहाँ पे भी इसकी वजह से चार बॉर्डर्स और चार सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं लोअर वन थर्ड ऑफ शाफ्ट में, और जो अपर एंड मिडल वन थर्ड में लेटरल बॉर्डर था वही लोअर वन थर्ड में भी एक्सटेंड करेगा, और सेम मीडियल बॉर्डर भी मीडियल कोंडाइल तक एक्सटेंड करेगा. सो अब चार बॉर्डर्स होते हैं, पहला मीडियल बॉर्डर, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, लेटरल बॉर्डर. सो ये चार बॉर्डर्स लोअर वन थर्ड में प्रेजेंट होते हैं लोअर वन थर्ड ऑफ शाफ्ट. सो जो एरिया लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन और मिडिल सुप्राकोंडाइलर लाइन के बीच में प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे पोपलीटियल सरफेस, और जो मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन और मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे मीडियल सरफेस, और जो एरिया मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे एंटीरियर सरफेस, और जो एरिया लेटरल बॉर्डर और लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन के बीच में प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे हम लेटरल सरफेस. सो दैट वॉज ऑल अबाउट जनरल फीचर्स ऑफ फीमर. आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो. थैंक यू.